खबर सारण बिहार से, जहां तरैया पानापुर एसएच 104 मुख्य सड़क किनारे स्थित चैनपुर खराटी मथुरा चौक के समीप मंगलवार को एसबीआई बैंक के एक सीएसपी केंद्र से हथियारबंद अपराधियों ने पिस्टल भिड़ाकर 2 लाख रुपए लूट लिए। वहीं लूट की घटना के बाद अपराधियों ने बैंक कर्मियों का लैपटॉप, मोबाइल व सीसीटीवी कैमरे का हार्ड डिस्क तथा एक कर्मी के पर्स से 15,000 रुपए लेकर भाग निकले। वहीं भागने के क्रम में अपराधियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से हवाई फायरिंग भी किया। बताया जाता है कि बैंक कर्मी लोहा गाँव निवासी श्रीकांत यादव व गलिमापुर गाँव निवासी मनोज माझी बैंकिंग कार्य कर रहे थे। अपराधियों ने बैंक में अंदर घुसते ही कर्मियों पर पिस्टल व चाकू भिड़ा दिया और बैंक शटर गिराकर कैश काउंटर से आराम से रुपए, लैपटॉप, मोबाइल, सीसीटीवी कैमरे का हार्ड डिस्क व कर्मियों के पर्स से 15,000 रुपए निकालकर भाग निकले। लूट की घटना के बाद अपराधियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य हवाई फायरिंग भी किया। गोलियों की आवाज सुनकर कोई भी व्यक्ति अपराधियों के पास जाने से डर रहा था। घटना की सूचना मिलते ही भड़ोरा डीएसपी इंद्रजीत बैठा, मस्टर इंस्पेक्टर राधेश्याम प्रसाद, तरैया थाना अध्यक्ष शोएब आलम दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गए। सारंगियार से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। जो एसबीआई का सीएसपी गलमापुर में चलाता हूं और अचानक से 3 आदमी मेरे सीएसपी में आए और तीनों आदमी के हाथ में पिस्टल था। पिस्टल भिड़ा के उन्होंने 2 लाख रुपये कैश और एक लैपटॉप और 2 मोबाइल लेकर ले चले गए। तीनों कैसे थे, मुंह बांधे हुए थे? एक आदमी मास्क लगाया था, 2 आदमी ऐसे था खुला खुला। सीसीटीवी कैमरा भी लेके चले? सब लेके चले, सीसीटीवी कैमरा, लैपटॉप, 2 मोबाइल था। आपको पिस्टल भेजे थे? जी, हम 2 आदमी थे लोग, दोनों आदमी गए।